चौटाला किसान नेता के नाम से उनकी पहचान है। चौधरी देवीलाल के परिवार में उन्होंने जन्म लिया है। मैं अगर उनकी जगह होता तो निश्चित तौर से इस पद से इस्तीफा दे देता। सारे भाई हैं राम राम, एक बार फिर स्वागत है आपका दस होनेवाली में। उचाणा तहसील में हाँ भाई, उचाणा संघर्ष समिति के प्रधान अनुराग खटकड़ और हल्का के बहुत सारे युवा तहसील में आ रहे हैं। बेरोजगारी का कोई मैटर है तो के कुछ है जानने की कोशिश कर लिया, बात कर लिया। राम राम जी। राम राम जी। तो आज सारे युवा हैं, जितने हैं बेरोजगार युवा इकट्ठे हो रहे हैं और आपकी अगुवाई में आए हैं, तो मेन मुद्दा के है आज का, किस वजह से इकट्ठा होना पड़ा? देखिए, उचाणा विकास संघर्ष समिति का मतलब ये है कि हमने इस संगठन को इसलिए बनाया है कि उचाणा के विकास के लिए संघर्ष करें, ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो। उनकी आवाज़ हम बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंचाएं, उनकी बात जो हम अधिकारियों के पास पहुंचाएं, उसी कड़ी में आज हम आए हैं कि उचाणा के नौजवानों के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। जो है हम चाहते हैं कि उचाणा के नौजवानों को रोज़गार मिले। जहाँ सरकार एक तरफ 75% रोज़गार देने का वादा करती है, वहीं पर इस प्रकार के हालात है कि हर गांव में 75% जो है युवा बेरोज़गार हैं। इसके लिए हम आए हैं, आज SDM साहब से मिलने आए हैं, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे इस इलाके के जो सांसद हैं बृजेंद्र सिंह जी, उनके नाम ज्ञापन देने आए हैं कि आप जो है इस इलाके के लोगों को रोज़गार मिले। उसके लिए जो है बाहर से कंपनियां बुला करके, गुड़गांव से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, NCR से जो है कंपनियां बुला करके इस एरिया के लोगों को उनकी पढ़ाई के अनुसार रोज़गार दिलाने का जो है काम करें। रोज़गार मेले लगवाएं, एक अड़ेवा में लगवाएं, एक उचाणा में लगवाएं, इस प्रकार की मांग लेकर के आज हम जो है SDM साहब के माध्यम से जो है ये ज्ञापन देने आए हैं उप मुख्यमंत्री और सांसद हिसार के नाम। तो एक तरफ निजीकरण होने लग रहा है, सरकार निजीकरण कर रही है और बहुत सारे डिपार्टमेंटों को निजीकरण में लेने लग रही है, तो कितने को उम्मीद करो होगी सरकारी रोज़गार कितने प्राप्त होंगे? सरकार ने जो है युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो लोग आज दिल्ली और चंडीगढ़ के लोकसभा और विधानसभा में पहुँचे हैं वो केवल झूठे नारे दे करके, हर घर में पक्का रोज़गार देने की बात के वायदे करके वहाँ गए हैं। युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देश और प्रदेश की सरकार जो है निजीकरण करने के ऊपर तुली है, जो कि ये सरासर गलत है। इस बात की हम जो है कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, दिन प्रतिदिन रोज प्रकट होने लग रहे हैं, तो आप इसकी किस नज़रिए से देखो? बड़ौदा उपचुनाव में इसका रिजल्ट आपको या मेरे को नहीं, पूरी जो है देश की जनता को देखने का मिलेगा। जिस प्रकार के काम जो है इन लोगों ने किए हैं, इनके आगे बड़ौदा उपचुनाव में आ जाएंगे। तो युवा आज बेरोजगारी पर सबसे नंबर वन पर चल रहा है, हरियाणा भी नंबर वन पर है। तो एक तरफ कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे, रोज़गार मुहैया कराया जाएगा और वादे दिन प्रतिदिन करे भी जान लग रहे हैं, और कह रहे हैं कि सरकार प्रयास भी कर रही है। तो आपने कितना का लागा है ये वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे हैं? सरकार में बैठे लोग केवल घोटाले करने पर तुले हुए हैं, ना कोई वादा पूरा करने की उनकी नीयत है, ना जो है उनकी कोई नीति है। उनका केवल केवल एक मकसद है कि उचाणा के लोगों को, हरियाणा के लोगों को किस प्रकार से ज़्यादा लुटा जाए, उनकी एक सोच है। और इस सोच को जो है हमने बीड़ा उठाया है कि नौजवानों के साथ मिलकर के इस सोच को जनता तक ले जाने का काम करेंगे। इस प्रकार अगर जनता की आवाज़ जो है इन नेताओं ने नहीं सुनी, तो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर से इनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। MSP को लेकर ना कह रहे थे कि एक एक दाना खरीदा जाओगा, लेकिन PR के एक एक क्विंटल के मैसेज आने लग रहे हैं, कोई किसी की खरीद नहीं होने लग रही है, मंडियां में किसान हरुके मारने लग रहे हैं। ये सरकार 100% झूठी सरकार है। किसानों के साथ जो भेदभाव करने पर लगी हुई है, आढ़तियों के किसानों के रिश्ते को ख़राब करने पर लगी हुई है। MSP खरीद की बात तो दूर की बात, इस प्रकार के हालात पैदा कर दिए कि किसान अपनी फसल लेकर के मंडी में जाता है, उसकी किसी भी रेट पर फसल नहीं खरीदी जाती। इस प्रकार के हालात हैं जो कि बहुत चिंतनीय विषय है। तो अंत में मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि जो रोष है भाजपा और जसपा गठबंधन को लेकर काफ़ी चल रहा है, तो दुष्यंत चौटाला को इस टाइम पर क्या स्टैंड लेना चाहिए था? दुष्यंत चौटाला किसान नेता के नाम से उनकी पहचान है। चौधरी देवीलाल के परिवार में उन्होंने जन्म लिया है। मैं अगर उनकी जगह होता तो निश्चित तौर से इस पद से इस्तीफा दे देता, और जो है अपने दादा की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, जहां उनका नाम हरियाणा में ऊंचा होता, वहीं भारतवर्ष में जो है इस बात के लिए उनका नाम ऊंचा होता। लेकिन दूसरी तरफ जो है दुष्यंत चौटाला कुर्सी से चिपके बैठे हैं, ये भी जो है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, इससे जो है बदतर मेरे ख्याल से कोई
सोच नहीं हो सकती कि कृषि के लिए अपने दादा के नाम को जो किसान नेता के नाम से जिसकी पहचान थी उनके नाम का जो है दुरुपयोग हो। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? इस मुहिम में हम ये कहेंगे कि अगर रोज़गार मेले उचाणा के अंदर अड़ेवा के अंदर नहीं लगाए गए तो हम फिर जो आंदोलन करेंगे, चाहे हमें तहसील के बाहर धरना रखना पड़े, चाहे तहसील के ऊपर ताला लगाना पड़े, चाहे हमें यहाँ बैठे अधिकारी अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उनके अधिकारियों के दफ्तर के ताला जड़ने का काम करेंगे। और किसानों का युवा समर्थन करता है अध्यादेशों को लेकर या नहीं करता? बिल्कुल करता है। मैं तो मंडी में भी आया था, उचाणा मंडी में भी आया था, जिस दिन रोड को जाम किया उस दिन भी आया था। हमारा संगठन जो है किसानों के साथ है, क्योंकि हम सब जो है किसान के बेटे हैं। किसान की जेब से निकलने वाले पैसे से हम यहाँ भाड़ा लगा करके जो है उचाणा तक आज नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और कोई भाई कुछ? हाँ जी सुरेश पंगाड़ जी। हाँ जी सर, आइयो। आप किसान जो मंच के प्रधान हो, हाँ जी, तो किसानों के साथ में कह रहे हैं काफ़ी बदसलूकी का व्यवहार हो रहा है, सरकार को इस बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, जैसे कि अपने जो GST कानून आया था नया, उसमें भी काफ़ी मतलब बाद में संशोधन हुए हैं। अभी संगठनों की राय लेनी, किसानों की ग्राउंड पे राय लेनी, सरकार ने ये एक जबरदस्ती तीनों काले कानून नहीं है थोप दिए किसानों को। आज किसान भी संशय में है, सभी मतलब आम आदमी संशय में है, ये इनका फायदा होगा या नुकसान होगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि एक बार और इस पर पुनर्विचार करके और संशोधन करने की जहां भी गुंजाइश हो तो किसानों का जो संशय बना हुआ है उसको दूर किया जाए। धन्यवाद जी। आपने राय जानी प्रधान जी हैं की और युवा मंच जो किसान मंच के प्रधान हैं सुरेश पंगाड़ जी हैं की, आप इस बारे में क्या सोचो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।